सो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास है रेडमी 9 प्राइम डिवाइस। ये मैंने परचेज़ किया था एक साल पहले और मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी अपने चैनल पे, तो उन वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स थे कि रेडमी 9 प्राइम बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, कोई सोल्यूशन बताओ, हमारा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हैंग कर रहा है तो कोई सोल्यूशन बताओ जिससे हैंग इशू सॉल्व हो जाए। ओके, तो इस वाली वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप अपने रेडमी 9 प्राइम में हैंग इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हो। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको हमेशा की तरह एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी इनेबल कर देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने Redmi 9 Prime में हैंग इशू सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा अबाउट फोन का। ओके, आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको MIUI वर्जन का एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको इस पर 5-6 बार टैप कर देना है। 5-6 बार टैप करने के बाद आपको क्या करना है, आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर आपको एक एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। एडिशनल सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शंस वाला एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको इसी पे क्लिक करनी है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, बहुत सारी सेटिंग्स शो होंगी। आपको 3 सेटिंग्स ढूंढ लेनी है, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। ओके, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। ये जो तीनों सेटिंग्स होती हैं ये आपके फोन में 1x पर सेट होती हैं डिफॉल्ट। ओके, आपको क्या करना है, आपको इन तीनों सेटिंग्स को 0.5x पर सेट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो विंडो एनिमेशन स्केल को भी 0.5x पर सेट कर देना है, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल को भी 0.5x पर सेट कर देना है और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल को भी 0.5x पर सेट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके फोन में जो टच स्वाइप्स और जेस्चर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम करना शुरू कर देते हैं और आपके फोन का हैंग इशू भी सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे आप अपने फोन का हैंग इशू सॉल्व कर सकते हो। और गाइज, अगर आप अपने Redmi 9 Prime में एक्स्ट्रा 1GB रैम ऐड करना चाहते हो तो आपको वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर मैंने बताया है कि आप अपने Redmi 9 Prime में एक्स्ट्रा 1GB रैम कैसे ऐड कर सकते हो, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी इनेबल कर देना। मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।